अजी भाई जरा देख के। दिमाग का फ्यूज उड़ गया इसका। देखो कैसे जुड़ जुड़ के बातें कर रहे हैं बबली से। ये रही बेटा। की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल निकल जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा? अगर अभी भी लोग आया था पता नहीं। अजी भाई की तबीयत ठीक नहीं है, परास हॉस्पिटल लेके गया। ओ माय गॉड, क्या हुआ है उन्हें? आहिस्ता बोलो। नहीं जगह मानो की गाड़ी को शायद डाकुओं ने लूट लिया है। अम्मी उठे प्लीज, खुद को संभाल। अम्मी ऐसे मत करे। अम्मी मुझे चच्ची को फील हुआ था कि शायद तुम मानो को पसंद करने लगे हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ऐसी कोई भी बात नहीं है। फर्ज करें अगर पसंद कर लेता तो फिर तुम कब आ रही रहते? ये शादी कभी नहीं होनी थी। अच्छा ये बताओ कि कल गौहर पे क्यों इतना नाराज हो रहे थे? वो एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया था, तुम हमारे खानदान की लड़की हो, इज्जत हो हमारी। उसने कौन सा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया था? शराफत से रिश्ता ही तो मांग रहा था मेरा। यार वो तुम्हें अच्छा लगता है तो सिंपली हाँ कर दो। मेरी हाँ या ना तुम्हारी राय की मोहताज नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं लगता ही क्या हूँ तुम्हारा? महज एक क्लास फेलो और एक दोस्त कच्चा पक्का सा, जिसे मानने से कभी कभी तुम इनकार भी कर देती हो। थैंक यू। वापसी में पिक करूँ तुम्हें? नहीं, मैं गौर को कह दूंगी, वो मुझे पिक कर लेगा। बाय। साहब हम भी थोड़ा सा नाच लेते हैं। क्या हूँ शर्म कर। निता किसको दे दी है? कैसे नाच रहा है फराज शुजा साहब? तो वो तो रोड़ा। मैं भी जरा सा हो गया अभी। हम राशि नहीं वो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुन्ने के लड़के तो पूरे बरासी हैं, दिल कैसे नाच रहे हैं। रात भी पूरा सो रही कर रहे हैं बस। आप लड़की वाले हैं, मैं तो लड़के वाली हूँ, मुझे तो थोड़ा सा नाचने दे। हाँ ताकि वो हमें कहें बहुत अच्छी मरासम। आज मेरे पेरेंट्स की बरसी है, अगर तुम्हारी पप्पू की शादी नहीं होती तो शायद मैं आ जाती भी ना। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। 15 साल हो गए उन्हें। मैं छोटी थी जब खाला अपने घर लेकर आई, हमेशा गौहर से ज्यादा अहमियत दी मुझे। वैसे बात तो पर्सनल है, लेकिन उन्होंने गौहर के लिए कभी तुम्हारा नहीं सोचा क्या? अब मैं क्या कह सकती हूँ। क्या हो अबली, परेशान लग रही हो? मानो अभी नहीं, अभी हमारी पर्सनल बात चल रही है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी भी दोस्त है। तो मैंने इस बात से कब इनकार किया है यार? और अभी प्लीज जाओ, कहा ना पर्सनल बात कर रहे हैं हम। थाड़ में जाए तुम्हारा पर्सनल। क्यों खफा कर रहे हो तुम उसे? वो है ही इस काबिल। तुम उसे छोड़ो, तुम ठीक हो।
देखो कैसे जुड़ जुड़ के बातें कर रहे हैं बबली से। करने दो यार, तुम्हें क्या इशू है? याद नहीं है कल तुमसे कितनी बदतमीजी कर रहा था जब तुम मुझसे बात कर रहे थे। यार मेरे ख्याल में ना थोड़ा पोजेसिव है तुम्हारे मामले में। पोजेसिव नहीं, कंजर्वेटिव हो तुम। जाके बुलाओ ना बबली को। बुरा लगता है यार, दोनों दोस्त हैं आपस में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। पता तो चले कि चल क्या रहा है दोनों के दरमियान आजकल। मुझे क्या पता यार। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? यार अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे। टेक इट इजी यार, अम्मी ने भी पता नहीं किस धुन में बात कर दी है, और सच पूछो तो मैंने भी आज तक ऐसा सोचा नहीं था। थैंक यू यार, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि अच्छा दोस्त निकल गया हाथ से। अब इतनी सी बात पर हमारी दोस्ती तो खत्म होने से रही। किकू दादा, आपको पूरा दूध फिनिश करना है। दादा नहीं, नाना है। ओए नाना, दादा के चक्कर में मेरे जज्बात का तो खून मत करे ना। अरे चले छोड़े इस बात को, निंदा भाभी भारी सी डिमांड पेश करे। गौहर तुम हमारी तरफ से हो ना, ज्यादा लोटा बनने की जरूरत नहीं है। असली बताएगा डिमांड। हाँ भाई, आज कोई पाकिस्तानी नोट नहीं चलेंगे। शराफत से 5,000 दिरहम निकालें जल्दी। बेटा तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर ही। कुकु मामू, इसको तो हर बात में टांग अड़ानी होती है। मैं तो सिर्फ टांग अड़ाता हूँ, तुम तो दूसरे की टांग तोड़ देती हो। चले कुकु मामू, जल्दी निकालें पैसे। कभी देखे भी है तेरे पैसे? नहीं नहीं, मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे, इसलिए तो मांग रहा हूँ। क्यों भाभी? उन्निदा तू तो मेरा वोट ना पक्का है, ये क्या होगा? हाँ मानो, वो ये गिन ले 5,000 के 4,000 नोट हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर सही तरह से लगा ना वापस पे ना। देखा कुकु मामू, इसकी बदतमीजी देखी आपने? बदतमीजी नहीं बेटा, हक है हमारा। कुकु मामू ये तो कम लग रहे हैं, बाकी भी निकाले जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। कुकु मामू 1,00,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा। कुकु मामू इन लोग को 1,00,000 रुपए ना व्हाट्सएप कर देना, तो कभी समझे देखे ही नहीं हो। सियानापन तो देखो जरा। अच्छा बस ना, बहुत काफी है 20,000। क्या भी अम्मा, ये तो सिर्फ 20,000 रुपए है, इतने में तो आइसक्रीम भी नहीं आएगी। तो तुम्हें कितने चाहिए? 20,00,000। फिर तो गुर्दे ही बेचने पड़ेंगे, और तब तक के लिए इंतजार फरमाएं। तो फिर ऐसा करें, थोड़ा इंतजार आप भी करें, क्योंकि इतने पैसों में दूसरा सिर्फ 1 घूंट बनता है। नहीं नहीं बेटा, तू तो उस साइड से है ना? इसी साइड से हूँ यार। थैंक यू। और चाचू मेरे हिस्सा? चुटकी पैसे तो आप घुमा दोगी ना, मैं ऐसा करता हूँ बाजार से आपको अच्छी सी टॉफियां लेके देता हूँ। टॉफी की चॉकलेट। अब लेडीज फर्स्ट यार। ओह गुड आइडिया, ये रहे बेटा। इमरजेंसी हो गई है, डाकू हमारी गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अम्मी भी बेहोश हो गई है। क्या तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? कौन थे वो लोग? मैं पता नहीं, कोई डाकू थे। मैं तुम्हें लोकेशन पे भेज रही हूं, प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मुझे लोकेशन भेजो फौरन, मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ सी? मानो की गाड़ी को शायद डाकू ने लूट लिया, किसी रोड पर खड़ी है वो। मेरे खुदाया वो ठीक तो है ना? ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं लोकेशन पे आ गई है, पापा मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, मैं बच्चों को लेकर घर जाता हूँ और फोन कर देता हूँ अपने SP दोस्त खावर। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, फोन कर देना। अल्लाह खैर करे भाई, चलो चलो बुलाओ बच्चों को। चलो जी।